मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में बैंक मैनेजर की मौत हो गई। दो मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मामला जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र का है। कैनरा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक रामू पासवान अपने अन्य दो सहयोगियों के साथ निरीक्षण के लिए ऑटो से साहिबगंज स्थित कैनरा बैंक कार्यालय जा रहे थे। रास्ते में मोतीपुर में ऑटो अनियंत्रित बस की चपेट में आ गया, जिस कारण दुर्घटना हो गई। ऑटो मौके पर पलट गई। ऑटो पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने रामू पासवान को मृत घोषित कर दिया। अन्य दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद SKMCH रेफर कर दिया गया है। बता दें कि मृतक रामू पासवान वैशाली जिले के बासुकुंड के रहने वाले थे। घायलों की पहचान सुरेंद्र कुमार और सोनीलाल धनराज कुमार के रूप में हुई है। वो सवेरे 6:30-7 बजे घर से निकले। आज इतना जल्दीबाजी में थे कि नाश्ता भी नहीं कर पाए। उनकी वाइफ बोलती रह गई है कि हाँ नाश्ता बना दिए, नाश्ता कर लीजिए। तो बोले कि हमको मोतीपुर के लिए जाना है, बैंक के साथ वेरिफिकेशन के क्या होता है इन लोग का रिव्यू, उसके लिए जा रहे थे। ये तो सुबह 7 बजे निकले हैं। निकलने के बाद में 8:15 में हम उनको फ़ोन किए हैं, तो वो ऑन द हाईवे थे, गाड़ी में थे। मेरी बात हुई है तो बोले कि भैया आप फोर व्हीलर से निकल जाइएगा, आपके लिए हम गाड़ी छोड़ दिए। और वो हुआ है कि जैसे ही मोतीपुर पहुँचे हैं तो पता चला है कि वहाँ पे बस वाले ने टेम्पो को मार दिया। टेम्पो से जा रहे थे लोग। इसमें 3 स्टाफ थे और एक ड्राइवर था। ड्राइवर का तो नहीं पता चला है कि क्या उसका गाड़ी का है कि क्या है, लेकिन ये तीनों में से इनका स्पॉट डेथ हो गया, क्योंकि इनका ब्रेन हेमरेज हो गया है, माथा में चोट लगा है। क्या नाम था भाई का? रामू पासवान नाम था इनका। क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र वही 36 साल की करीब। कहाँ पर कार्यरत थे वो? ये गोबरसाही आर ओ ऑफिस में थे। जी, यानी विभाग में आर ओ ऑफिस में थे, केनरा बैंक। जी, दो लोग हाँ, वो लोग का भी स्थिति क्रिटिकल है। पता नहीं क्या है अभी, तो हमको नहीं पता, हम तो इसमें लगे हुए हैं।